जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का मैं एक बार और स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से आप लोगों को अभी तक गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण दिया गया, निश्चित आपको बहुत समझ में आया होगा। और आपको ये समझ में आया होगा कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। और क्या होता है, कभी कभी हमें ये लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है कि बच्चों को सिखाना। आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए उनके हिसाब की सोच रखनी होती है, और वो जितने स्तर उनका है उस स्तर तक जाकर उन्हें सिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर गुणा की बात करें, भाग की बात करें, तो हो सकता है गुणा और भाग तो हमें आता है, लेकिन हम बच्चों तक कैसे लेकर जाएं गुणा और भाग सिखाने के लिए, क्योंकि गणितीय संक्रियाएं बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और गणितीय संक्रियाओं को नहीं सीख पाते। तो चलिए, आज क्योंकि हमारा पहला सेशन जो था उसमें स्थानीय मान और जोड़ घटाव की बात हुई थी, लेकिन हमारा जो गुणा और भाग बच गया था, तो उसी के लिए आज फिर से आप लोगों को प्रशिक्षण रखा गया है कि आप लोग इस प्रशिक्षण अटेंड करें और आप समझें कि बच्चों तक गुणा और भाग की जो अवधारणा है उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम मुझे ऐसा लगता है कि संख्या कम है आज, क्योंकि 8 पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रशिक्षण आगे बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल आपको अगर कोई भी सवाल होगा तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम उसको देखकर आंसर बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये प्रशिक्षण रिकॉर्डिंग भी है, तो सभी से ये निवेदन है कि अपने माइक को बिल्कुल चेक करेंगे, और जब आपको कुछ पूछना हो तभी आप माइक ऑन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि बाकी साथी जुड़ जाएंगे। तो चलिए, क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो गुणा और भाग का है, तो मैं गुणा से ही शुरू करता हूँ। और जब भी आप बच्चों को गुणा सिखाने जाते हैं, या कोई भी अवधारणा आप सिखाने जाते हैं, नई अवधारणा सिखाने जाते हैं, तो सबसे पहले आप बच्चों के पूर्व ज्ञान की ओर जाते हैं कि आज आप जो भी सिखा रहे हैं, जैसे आप गुणा सिखा रहे हैं, तो गुणा से पहले की जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को आती है या नहीं। जैसे गुणा क्या होता है, गुणा क्या होता है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा सर समय लूंगा, 2 मिनट का समय लगेगा, मैं थोड़ा कैमरा को सेट करूंगा और कुछ गतिविधि करके इन सभी को दिखाऊंगा, तो उससे कुछ ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 2 मिनट का, मैं थोड़ा कैमरा अपना सेट कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, आप कैमरा सेट करें। और जब जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था कि सर ने बताया कि जोड़ की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम सामान्य तीलियों के माध्यम से जोड़ का काम कर सकते हैं, कैसे तीलियों के माध्यम से सर ने इकाई स्थान, दहाई स्थान का स्थानिक मान भी समझाया था। साथ ही यह बताया था कि उन्हीं तीलियों को, जो खुली तीलियां थी, उनके बंडल बनाकर, 10 के बंडल बनाकर कैसे हम दहाई के मान का की अवधारणा बच्चों को स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं। दहाई के मान के उपरांत सर ने यह भी बताया कि कैसे हम हासिल की संक्रियाएं, हासिल वाले जोड़ की संक्रिया भी तीलियों के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में समारोपित कर सकते हैं। तो सबसे आवश्यक यह है कि बच्चों के दिमाग में यह जोड़ की जो प्रक्रिया है वह सिर्फ एक संख्या के चित्र के रूप में ना उभरे, बल्कि एक ठोस स्वरूप में उभरे, जिससे वह उसका अन्य जगहों पर, अन्य परिस्थितियों में भी उस संक्रिया का, जोड़ का या घटाव का सदुपयोग कर पावे। तो यह बहुत आवश्यक है। और आज हम देखेंगे इसी कड़ी में आगे कि गुणा और भाग की संक्रियाओं को कैसे बच्चों को सरलता से सिखाएं। सर अभी किसी गतिविधि के माध्यम से हमें आगे बताएंगे, एक बार उनका कैमरा सेट हो जाए तो फिर आलोक सर से हम निवेदन करेंगे कि वो टेक ओवर करें। जी जी बिल्कुल। तो लगभग कैमरा सेट है सर, और अगर मैं कुछ लिखूंगा और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, तो एक बार मैं थोड़ा सा और सेट कर लूंगा इसे। तो बिल्कुल चलिए ठीक है। तो ये व्हाइट बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है इसमें हम कुछ लिखेंगे और इसी में सारी गतिविधि करेंगे। अगर आपको नहीं दिखेगा तो बिल्कुल आप कोई भी मुझे बता देंगे कि आपको नहीं दिख रहा है, और मेरी आवाज अगर नहीं आएगी तब भी आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि हमारा पहला प्रक्रिया है गुणा का, तो जब आप बच्चों को गुणा सिखाने जाने वाले रहते हैं, कि गुणा के अवधारणा आप बच्चों को सिखाना ही है, उन्हें जब सिखाना है पहली बार, तो बिल्कुल हम जैसा अभी सर बता रहे थे कि जोड़ का जो कॉन्सेप्ट होता है,
क्योंकि गुणा क्या होता है, आप सीधे जाके गुणा के पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ गतिविधि आप करके दिखाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो उसी तरह हम सीधे आगे बढ़ते हैं, और मेरे पास कुछ संचय हैं, ये मैं रख रहा हूँ। सभी को दिख रहा होगा ये दो कंचा रखा हुआ है यहाँ, उसके बाद दो कंचा और रखे हुए हैं, फिर दो कंचे और रखे हुए हैं, यहाँ देखिए दो कंचे करके रखे हुए हैं, ये इस पर दिख रहा है, यहाँ दो दो कंचे रखे हुए हैं, और कितने बार रखे हुए हैं देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच बार क्या रखा गया है, दो दो कंचे रखा गया है, दो दो कंचे का जोड़ा है, जोड़ा में रखा गया है कंचा, और ये सेट जो है ये पांच का है। तो अब हम इन्हें मिलाएंगे, ये जो दो दो कंचे को हम रखे हुए हैं, अब इन्हें हम मिलाएंगे एक साथ, और मिलाने मतलब क्या होता है, जोड़ना मतलब इनको हम जोड़ेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे गुणा सीखने आ रहे हैं, मतलब उनका जोड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, वो बच्चा जोड़ने जानता है, बच्चे जोड़ने जान रहे हैं, उसके बाद हम गुणा सिखाते हैं। तो ये देखिए इसको हमको जोड़ना है, तो बच्चों को बस आप ये गतिविधि दीजिए और इनको जोड़ने को कहिए, देखिए ये जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है और दो दो कंचे हैं, ये दो दो कंचे दिख रहे हैं स्पष्ट, कितने बार है, एक दो तीन चार पांच बार है दो दो कंचे, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, मतलब इसको क्या करना है, मिलाना है, तो इसको मिलाते हैं, तो बच्चे भी आराम से मिला लेंगे इसको, सबको मिला देंगे, सबको हम मिला दिए। अब किसी भी बच्चे से इसको काउंट करने को कह सकते हैं, तो गिनने को कह सकते हैं, तो गिनेगा बच्चा जब, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये दस, जब बच्चा इसको मिलाता है और ये देखता है कि दो दो कंचा जो अलग था, दो दो कंचा को जब हम जोड़ रहे थे, पांच बार जोड़ रहे थे, तो हमें उत्तर आता है दस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी तरह एक दो और गतिविधि करके दिखाते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने दो दो कंचा रख के जोड़ा था, अब हम तीन तीन कंचे बच्चे को जोड़ के जोड़ने सिखाते हैं, जैसे तीन तीन कंचा रखा हुआ है, ये जैसे देख रहे हैं आपको दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा होगा, ये तीन कंचा तीन बार रखा हुआ है, ठीक है, तीन बार तीन कंचे हैं, तीनों कंचे को हमको क्या करना है, मिलाना है, तीन कंचा अलग अलग, ठीक है, तो इनको हमको क्या करना है, मिलाना है। तो इसको जब मिलाकर बच्चा गिनेगा तो आंसर क्या आएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो यहाँ नौ कंचा इस पर दिख रहा है, मतलब इसमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम तीन तीन कंचे को तीन बार जोड़ते हैं, तीन कंचा है तीन बार है, तो उत्तर कितना आ रहा है, नौ आ रहा है। तो क्या है कि बच्चे जोड़ने जानते हैं, बच्चे को जोड़ना आता है, और ये अभी देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ ही रहे हैं, बार बार मिला रहे हैं, एक ही चीज को बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार मिला रहे हैं, जैसे तीन है, अगर तीन का सेट है तो वो तीन बार है, चार बार है, मतलब एक ही नंबर जो है उसको हम क्या करते हैं, बार बार उसी से मिलाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, बार बार जोड़ना, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे इससे पहले का एग्जांपल था, जैसे पांच बार क्या था, दो था, एक दो तीन चार पांच, तो इसको जोड़ने से उत्तर आ रहा था दस, और इसको अगर हम ऐसे लिखें, क्योंकि दो कितने बार है, पांच बार है, क्योंकि आप गुणा सिखाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप बच्चों को पहाड़ा लगभग सभी सिखाते हैं, तो बच्चों को जैसे ये जोड़कर सिखाए, पहाड़ा पढ़ने को कहें आप, कि दो का पहाड़ा पांच बार पढ़े, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पहली में भी सिखा रहे हैं तो कम से कम दूसरी में सिखा रहे हैं, दूसरी तीसरी में कॉन्सेप्ट है, तो
पांच तक पहाड़ा बच्चे को याद कराना ही पड़ता है, और बच्चे याद कर लेते हैं, लगभग पहाड़ा याद कर लेते हैं। अब बच्चे को दो का पहाड़ा पांच बार पढ़ने को कहिए, तो बच्चा पहाड़ा जब पढ़ेगा कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके आठ, और दो पच्चे 10, तो दो का पहाड़ा अगर पांच बार बच्चा पढ़ रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और वो ये भी देख रहा है बच्चा कि दो 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 दो, दो को दो अगर पांच बार हम मिलाते हैं, दो को बार बार जोड़ते हैं, पांच बार जोड़ते हैं, तब भी हमारा उत्तर आता है 10। तो ये स्पष्ट हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे को ये समझ में आ रहा है। अभी हम उनको बता नहीं रहे कि ये क्या, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि गुणा क्या है। तो इसमें दोनों प्रक्रिया में, क्योंकि ये धन था, बार बार जोड़े, दो को पांच बार जोड़े तो कितना आया 10, बच्चे को ये बताएंगे कि ये चिन्ह जो है वो गुणा का है, ये चिन्ह किसका है, गुणा का है। तो हम ये देख रहे हैं कि दो को पांच बार जोड़ रहे हैं तब भी 10 आता है, और दो को पांच बार गुणा करते हैं तब भी 10 आता है। इसी तरह तीन का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें भी ये देख सकते हैं कि तीन को तीन बार आप जोड़ते हैं और तीन को तीन से गुणा करते हैं तो दोनों में उत्तर क्या आता है, 9 आता है, क्योंकि वो कंचा के माध्यम से वो देख रहा है, या कोई भी सामग्री आप यूज कर सकते हैं उसमें। दोनों में उत्तर क्या आता है, 9 आता है। देखिए 3 × 3 का मतलब ही है कि तीन कितने बार है, तीन बार है, तो उसका उत्तर 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, 3 × 3 9 होता है। ये धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे और इससे स्पष्ट होते जाएगा, क्योंकि बच्चे के सामने ये हम मूर्त रूप में रख रहे हैं, कंचे को दिखा रहे हैं कि देखिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, गुणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये भी बताना ही पड़ेगा बच्चों को। क्योंकि अगर कम संख्या है, जैसे तीन तीन बार है, तो आप उसको आसानी से जोड़ सकते हैं, तीन कितने बार है, तीन बार है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर तीन ऐसे लिखा हो, तीन तीन कई बार तीन लिखे हुए हैं, मान कई बार तीन लिखे हुए हैं, तो इसको जोड़ने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए अगर 15 बार लिखा है तो 15 बार तो तीन जोड़ा जा सकता है, लेकिन तीन अगर मान लीजिए तीन को हमको जोड़ना है 300 बार या 400 बार, या तीन को जोड़ना है 1500 बार, तो फिर हम कैसे जोड़ें उनको, बार बार जोड़ें, क्योंकि हमारा उत्तर, देखिए इससे पहले जैसे बताया गया था कि हमारा उत्तर तीन को तीन बार लिखे हैं और तीन को तीन से गुणा कर रहे हैं तो दोनों में उत्तर सेम आ रहा है। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए चार है, चार को हम पांच बार जोड़ रहे हैं, ठीक है, चार को हम पांच बार जोड़ रहे हैं, तो 4, 8, 12, 16 और 20, और चार को गुणा करते हैं पांच से, तब भी क्या आता है, 20। मतलब चार को अगर पांच बार जोड़ बार बार जोड़ रहे हैं, चार को पांच बार जोड़ रहे हैं 20 आ रहा है, और चार को पांच से गुणा कर रहे हैं तब भी 20 आ रहा है। तो इसमें ये स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ रहे हैं, या तो उसी से हम गुणा कर ले, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 है, चार कितने बार है, पांच बार है, तो मतलब चार को अगर हम पांच से गुणा कर दे रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, दोनों में उत्तर हमारा सेम आ रहा है। तो हम इस प्रक्रिया को क्यों करें, जब हमें पहाड़ा आता है तो हम चार का पहाड़ा पढ़ लेते हैं पांच बार, तो कितना उत्तर आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, तो हमें बार बार जोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि ये चार अगर 200 बार है, 300 बार है, तब भी हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमें आसानी से क्या बन जाएगा, ये उत्तर जो है वो निकल के आ जाएगा सामने। तो गुणा का मतलब ही होता है, इसलिए गुणा का मतलब होता है कि बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना क्या कहलाता है, जैसे चार है तो चार को बार बार जोड़ रहे हैं, पांच है तो पांच को बार बार जोड़ रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक है। ये एकदम शुरुआती होता है, जब हम शुरुआत करते हैं बच्चों को सिखाना, तो बच्चों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होता है कि गुणा क्या होता है। और जब बच्चे गुणा सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहाड़ा याद कराया जाता है, और धीरे धीरे बच्चों को ये चुनौती देना होता है कि बच्चे 5 तक पहाड़ा याद करें, 10 तक पहाड़ा याद करें, 15 तक पहाड़ा याद करें, तो जो भी चीज हम सिखाते हैं, मान लीजिए हम गुणा ही सिखा रहे हैं, तो ये गुणा में पहाड़ा की बहुत आवश्यकता होती है, तभी बच्चे पहाड़ा से आसानी से गुणा को बना लेते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोगों का पहला क्लास था, उसमें हम लोगों ने स्थानीय मान की बात की थी,
तो गुणा करने में, क्योंकि अब ये बच्चे सीख गए हैं गुणा करने, उसके बाद बच्चों को कई सवाल आप दे सकते हैं, उनको अभ्यास कराइए, जैसे 3 का गुणा 4 से कराइए। तो आप जब बता दिए हैं कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो जब बच्चा पढ़ेगा 3 का पहाड़ा 4 बार तो उत्तर आ जाएगा उसका 12। अगर बच्चा नहीं जान रहा है पहाड़ा पढ़ने, तो क्या करेगा इसमें, क्या करेगा, 3 को जोड़ लेगा कितना बार, 4 बार। ये कंचा के माध्यम से भी जोड़ सकता है या किसी वस्तु के माध्यम से भी जोड़ सकता है, तो बच्चे को स्पष्ट दिखेगा कि ये 3 को 4 बार जोड़ने से कितना उत्तर आता है, 12 उत्तर आता है। ठीक है, अगर बच्चा पहाड़ नहीं जान रहा तो वो जोड़ के बना सकता है, लेकिन क्योंकि गुणा सिखाना है तो गुणा और भाग में दोनों में पहाड़ा की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चों को पहाड़ा भी याद कराया जाए और उनको ये काम खुद से सीखने को कहा जाए, बच्चे आसानी से पहाड़ा याद कर लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें अगर गुणा करने नहीं जाना है तब भी बच्चा गुणा के सवाल को हल कर सकता है बार बार उसको जोड़ के। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक संख्या का गुणा था, तो ये दूसरी के बच्चों को अगर सिखा रहे हैं तो उनके लिए ये उपयोगी है, और जो बच्चे असर स्तर के हैं उनको भी गुणा सिखा करते हैं, तो बिल्कुल इसी से शुरू करना है, उसको एकदम बेस से जाके सुनाते हैं, सिखाना है, तभी बच्चे आसानी से उसको सीखते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़े एग्जांपल लेते हैं। इसमें है 23 को गुणा करना है 2 से, तो जैसा अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और नहीं दिखेगा तो बिल्कुल मुझे बताइएगा कि आपको नहीं दिख रहा है। इसमें लिखा है 23 गुणा 2, मतलब 23 को गुणा करना है किससे, 2 से करना है। तो बिल्कुल आप लोगों को जैसे स्थानीय मान बताया गया था, तो बच्चों को भी मालूम होता है स्थानीय मान, क्योंकि अगर स्थानीय मान बच्चे नहीं जान रहे तो ना वो जोड़ने पाएंगे, ना घटाने पाएंगे, ना गुणा कर पाएंगे, ना भाग कर पाएंगे। तो क्योंकि हमें बताना होता है उनको स्थानीय मान की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना होता है, और वो कर चुके होते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा वो नहीं समझा है तो आप आगे बढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा और बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए जैसे इसमें इकाई में क्या है, 3 है, और दहाई में क्या है, 2 है। इकाई में 3 है, और दहाई में कितना है, मतलब 10 का कितना है बंडल 2। दहाई में 2 है और इकाई में क्या है, 3 है। और जैसा आप लोग पहले बता चुके, बच्चों को बता दिए कि बार बार जोड़ना है क्या कहलाता है, गुणा। इसका ये मतलब है, देखिए अगर पहाड़ा नहीं मालूम है तब भी, मतलब 3 हमें कितना बार लेना है, 2 लेना है 2 बार लेना, 3 3 करके कितना बार लेना है, 2 बार लेना है। तो लीजिए ये 3 3 है, यही 3 है, इसको कितना बार लेना है, गुणा करना है ना, तो 2 बार हम 3 लेते हैं। तीन को अगर हम 2 बार लेते हैं तो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि अगर 3 को हम 2 बार लेते हैं तो कितना आ गया है, सभी को दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, बच्चों को भी ये स्पष्ट दिखेगा कि अगर 3 को अगर हम 2 बार लेते हैं तो ये उत्तर आता है इसमें 6। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ क्या है, दहाई है, दहाई का जो 10 का बंडल आप लोग को दिखाया गया था, माचिस के कारणियों से बनाकर दिखाया गया था, तो वैसे बंडल 2 था, वो बंडल कितना बार लेना है, 2 बार लेना है। 2 2 बंडल कितना बार लेना है, 2 बार लेना है। तो ये बंडल कितना हो गया, देखिए कितना बंडल हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो बच्चों को स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि अभी बंडल मैंने नहीं पकड़ा हुआ है, नहीं तो मैं बंडल से रख के दिखाता, तो ये 4 आ गया, मतलब 40 और 6 46, मतलब 23 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इसमें अभी देखिए पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर बच्चा पहाड़ा नहीं सीखा है तब भी वो बना ले रहा है, अगर उनको कॉन्सेप्ट पता है तो, कि इकाई में 3 था तो 3 को हमें कितना बार लेना है, 3 का 3 कंचा 3 कंचा 2 बार लेना। अगर यहाँ चार लिखा होता तो 3 3 कंचा हमें 4 बार लेना पड़ता, तो 4 बार लेके गिनते तो कितना आता, बिल्कुल इससे बच्चे को और समझ में आता है, क्योंकि ये सिंपल सा था, इसमें ना किसी प्रकार का हासिल करना था,
तो बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ थोड़ा अपना बंडल लेकर, उससे आप लोगों को जो हासिल वाला गुणा होता है उसको बताता हूँ, तुरंत मैं बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से सर बता रहे हैं कैसे बारंबार एक अंक को जोड़ना ही गुणा का कॉन्सेप्ट की अवधारणा को की प्रारंभ करता है। तो अगर 2 गुणा 5 करना है तो 5 बार यदि 2 को जोड़ा जाए तो उससे वही उत्तर वही प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इस विषय को हम जितनी आसानी से बच्चों के मस्तिष्क में स्थापित कर पाएंगे उतनी आसानी से बच्चे भविष्य में यह समझ पाएंगे कि आखिर गुणा में हो क्या रहा है। अन्यथा वो बच्चों को जो गुणा का जो विषय है वह सामान्य नहीं लगेगा, वह उन्हें लगेगा जैसे उनके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। और सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में यही होता है कि बच्चे गुणे के स्तर पे बिखर जाते हैं, कई बार वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना है कि किस तरह से ठोस वस्तुओं को लेकर, किस तरह से बारंबार जोड़कर, किस तरह से पहाड़ों का प्रयोग करके हम उनको गुणा की अवधारणा स्पष्ट रूप से उनके मस्तिष्क में स्थापित कर सके, साथ में उसके कुछ गतिविधि भी कर सके जिससे कि वह तरीके से स्थापित हो जाए। आलोक सर जी, और शायद मीटिंग क्लोज हो जाए तो फिर आप लोग इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। जी थैंक यू सर। तो अब हम देखें बच्चों को एक दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत गुणा में आता है वो जब हासिल वाला गुणा आ जाता है, जब उसमें हासिल होती है तो बच्चों को दिक्कत होने लगती है। जैसे इसको बच्चे गलती करते हैं, जैसे ये गुणा है, मान लीजिए आप बच्चे गुणा सीख गया है और गुणा करते हैं जब बच्चे, तो कैसे करते हैं, 4 या 12, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, सीधे 12 लिख देते हैं और 4 8, ऐसा गलती देखेगा अधिकतर बच्चे करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है उत्तर, अब बच्चों को आप बताएंगे कि 4 या 12 होता है तो हम केवल 2 लिखते हैं, 1 हासिल कर लेते हैं और यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, और 4 2 8 और 1 9, ऐसे आप उनको समझाएंगे लेकिन भी वो गलती करते हैं क्योंकि उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि हासिल कैसे कर लिया और उसमें क्यों जोड़े, क्योंकि जोड़ में तो हम 2 और 1 को जोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होने लगता है। लेकिन जब इनको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब इसको एग्जाम्पल से आप समझाएंगे, जब इनको बंडल के माध्यम से करके दिखाएंगे स्थानीय मान, क्योंकि उन्हें क्लियर किया गया है, तो बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे। जैसे 4, अब इस बार क्या लेना है हमें, 3 कितना बार लेना है, 4 बार लेना है। ठीक, 3 है, कितना बार लेना है, 3 हमें 4 बार लेना है, 3 बार ले लिए, ये हम 4 बार ले लिए, 3 हम कितने बार ले लिए, 4 बार ले लिए। अब ले लिए, अब इसको क्या करना है, मिलाना है, क्योंकि बताया गया बच्चों को कि बार बार मिलाना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है, हम इसे गुणा ही करेंगे। तो अब देखिए, अब इसमें ये देखिए, सबको मिला दिए और अब काउंट करते हैं, और बच्चे को आप जब बंडल बनाना सिखा रहे थे शुरू में, स्थानीय मान की अवधारणा जब स्पष्ट कर रहे थे, तब की कुछ बातें हैं इस समय जो उपयोग होंगी फिर से, तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 12 माचिस की काड़ी आ गई। आप लोगों को बताया गया था, बच्चों को बताया गया था कि जैसे ही हमारा 10 होता है, चाहे वो 10 इकाई हो, 10 दहाई हो, 10 सैकड़ा हो, जैसे ही 10 होता है हम उसका क्या करते हैं, बंडल बना लेते हैं। तो ये जो 10 हो रहा है तो ये 10 का हम बंडल बना लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, इसका हम क्या कर लेंगे, बंडल बना लेंगे। अब ये ऐसा हो गया, ये 12 ही है, 10 का क्या बना लिए, बंडल बना लिए, मतलब अब हमारे पास क्या बचा, 2 इकाई बचा और 1 क्या बचा, दहाई बचा। तो इस दहाई को, क्योंकि दहाई का है तो ये दहाई की ओर रख देते हैं, इसको दहाई की ओर रख दिए एक बंडल को। अब यहाँ स्पष्ट हमें दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है कि यहाँ 2 बचा है, 2 इकाई बचा है, तो इकाई के नीचे हम क्या लिख दिए,
दो लिख दिए, ठीक है। अब इसको बस रखे रहिए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, दो दहाई है, उसको कितना बल लेना है, चार बल लेना है। दो दहाई कितना बल लेना है, चार बल लेना है। तो चलिए लेते हैं, दो दो दहाई कितना बल लेना है, चार बल लेना है। ये एक बार ले लिए, दो बार ले लिए, तीन बार ले लिए और ये चार बार ले लिए, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, कितना आ गया, आठ आ गया। लेकिन जो हमारा इकाई का एक बंडल बना था, इकाई जो 10 हो गए थे तो उसका एक बंडल बनाया था, तो वो भी इधर आ गया। तो अब कितने हो गए, फिर से गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ कितना हो गया, नौ। नौ क्या हो गया, दहाई हो गया। तो बच्चे को जब ये दिखता है तब अब उसको, अब जैसा जो हासिल करना आप शुरू में बता रहे थे, अब अगर बच्चों को बताएंगे तो बच्चों के सामने स्पष्ट वो रखा हुआ है या ऐसे करके रखा हुआ है। तो अब हम जब इसको आगे बताएंगे बच्चों को, तो सिखाएंगे, तो बच्चों को आसानी से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज और भी, ये भी था कि जैसे तीन इकाई चार बार लिए, चार इकाई कितना बार ले सकते थे, तीन बार ले सकते थे, क्योंकि गुणक सिखाते हैं तो हम चार का पहाड़ा ही पढ़ते हैं। तो इसको इधर से सिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब जब हम उन्हें गुणा सिखा रहे हैं तो बताते हैं कि चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ना है या तीन का पहाड़ा चार बार पढ़ना है। तो चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे तो चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तिया क्या हो जाता है, बारह आ जाता है। तो बारह में दो क्या है, इकाई है, तो दो को हम यहाँ लिख दिए, और एक क्या है, दहाई है, तो उसको दहाई की ओर रख दिए। अब चार का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो चार दुनी आठ होता है, आठ दहाई हो गए, और एक दहाई इधर से आया था, तो अब हमारे पास कितना दहाई हो गया, नौ दहाई हो गया। तो उत्तर कितना आया, 92। बस इतना अगर बच्चा समझ गया तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको सैकड़ा का क्वेश्चन भी हल करवा सकते हैं, हजार तक भी सवाल हल करवा सकते हैं। ये बच्चे को बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे लगता है कि गुणा का जो आज अवधारणा था वो स्पष्ट हो गई होगी, बच्चों को कैसे हासिल वाले गुणा सिखाना वो भी स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल स्थानीय मान का समझ उनको कराना होता है। स्थानीय मान इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से सिखा दें, बंडल बनाना बच्चों को अच्छे से सिखा दें, तो उनको ये सब जो सवाल है ना, ये आसानी से बच्चे बना लेते हैं। अब बच्चे को इसके बाद आप एक दो गतिविधि के माध्यम से बनवाइए, ऐसा नहीं कि उनको हम बता दिए कि ऐसे ऐसे बनता है, उनको एक दो बार करने दीजिए। अगर माचिस काड़ी या बंडल वाला कार्य करवा रहे हैं तो उन्हें एक दो दिन इसका समय दीजिए, क्योंकि आप एक ही दिन में चाहेंगे कि सभी बच्चे गुणा सीख जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, या एक दो दिन में गुणा के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहें तो नहीं हो सकता है। उन्हें लगातार अभ्यास कराने से 3 या 4 दिन में वो इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि उनको आप सैकड़ा तक पढ़ाए हैं तो वो हजार तक के सवाल भी हल कर सकते हैं। तो देवाशीष सर, गुणा मुझे लगता है कि इतने में स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल सर, गुणा बहुत ही सुंदर से आपने बताया कि दो अंकों का गुणा भी जब हम करते हैं तो दहाई के मान में तीलियों का इस्तेमाल करके कैसे हासिल को समझाया जाए, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है अक्सरहा ये बच्चों के लिए इसके समझ पाना। और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों का गणित यहाँ से प्रभावित हो जाता है, शहरी क्षेत्रों में भी हो जाता है। तो हमारे ज्ञानदूत साथी अगर इस अवधारणा को अच्छे से समझकर बच्चों के साथ प्रयोग करेंगे और फिर हमको उसको बताएंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल सर, गुणा का विषय लगभग हमने कवर कर लिया है। आप कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ें, या फिर आप भाग की ओर बढ़ सकते हैं और एक ही साथ हम प्रश्न लेंगे, या जैसा आप उचित समझे। आप कोई प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप पूछ लें। जी बिल्कुल, अगर गुणा संबंधित सवाल है किसी के मन में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम भाग की ओर चलेंगे। और अगर आप सवाल अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल अंत में आपको समय दिया जाएगा, 5-10 मिनट का, बिल्कुल उसमें पूछ लीजिएगा। और सर, किसी को और कोई, जी बिल्कुल पूछिए। जी बोलिए। हेलो, किन्हीं हेलो को कुछ पूछना था? जी बोलिए। सर, आवाज आ रहे हैं? जी आ रही है आवाज आपकी।
सर, आप ये छोटे अंकों का गुणा बताएं, अगर बड़े अंकों का गुणा सिखाना हो तो कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। जैसा अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि गतिविधि जो हम करते हैं तो बच्चों को शुरू में आसान गतिविधि कराते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे समझ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, आगे सिखाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो अंकों का गुणा है, तो बच्चे को जब पहले इसको सिखा दें, जैसे यह मत सैकड़ा तक हो गया, ठीक है, अब सैकड़ा तक सिखा दीजिए तो कॉन्सेप्ट वही चलता रहेगा, जैसे इकाई से करेंगे, फिर दहाई से करेंगे, फिर सैकड़ा से करेंगे, हजार से करेंगे। मैडम का सवाल मुझे लगता है कि नीचे में अगर दो अंक हो, ऐसा हो तब बच्चों को कैसे सिखाएं? तो बिल्कुल, जब बच्चे को, जब क्योंकि गतिविधि शुरू में जो होता है, गतिविधि बच्चों को जब सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट उनका जब क्लियर किया जाता है, तो बिल्कुल आसानी से सिखाइए, वो समझ जाते हैं। तो अब क्या करना है, बार बार हमें तो गतिविधि करानी नहीं, अब उन्हें सीधे बताना है, जैसे पांच का गुणा करेंगे पहले, क्योंकि ये हम बता चुके हैं, इतना हम बता चुके हैं बच्चों को कि पांच का गुणा चार बार करेंगे, पांच का गुणा तीन बार करेंगे, पांच का गुणा दो बार करेंगे, क्योंकि उनको स्पष्ट आप दिखा चुके हैं कि इनको ऐसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अब नीचे में दो अंक आ गए, मतलब इकाई और दहाई आ गया है। तो जैसा